अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आपका सूटकेस नजर नहीं आ रहा। इस बार कुछ दिन रहेंगे नहीं? जिसे आप मिलने आई हैं वो घर पर नहीं है, खावर से मिलने आई है ना? वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए। मैं जुनैद को लेने आई। ओह, उसे कह दें कि आप चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। देखिए, हमारे घर में बहुओं और दमादों की बहुत इज्जत की जाती है। उनको जाने के लिए कहना तो दूर, सोचना भी बुरा लगता है। वो तो आपके घर में रिवाज है, बहुओं को बात बात पर घर से निकल जाने को कह देना। जुनैद अपने ससुराल खुद आने का फैसला नहीं कर सकता। जरूर किसी ने उसे शय दी है। मैंने तो नहीं दी, और ना ही मैंने बुलाया है, और ना ही मैंने रुकने को कहा है। हाँ, अगर खावर ने कुछ कहा होगा उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, मैं खावर से बात कर लेती हूँ। खावर आजकल ऑफिस में देर तक काम करते हैं, अगर आप उनका इंतजार करना चाहती हैं तो ठीक है, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। तुम्हें यह बताना है कि तुम्हें जॉब से मैंने क्यों निकाला था। फैक्ट्री के हालात कोई बुरे नहीं है, और ना ही मैंने किसी एम्प्लॉय को निकाला। बल्कि सच तो यह है कि फैक्ट्री के हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गए हैं, बल्कि मजीद लोगों को हायर कर रहे हैं। निकाले जाने वाले वाहिस सिर्फ तुम थे। और तुम्हें जॉब से निकालने के लिए मुझे रुखसाना भाभी ने कहा था। जानते हो क्यों? वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, और ऐसा अब से नहीं है, हमेशा से। अनवर भाई की बात जाने के बाद मैंने कई मरतबा कोशिश की कि मैं तुम्हारे लिए, इनफैक्ट जुनैद के लिए बहुत कुछ कर सकूं, चाचा बनकर नहीं बल्कि बाप बनकर। जिंदगी की दौड़ में तुम लोगों का साथ दूं, लेकिन जब भी मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो रुखसाना भाभी ने मुझे मना कर दिया। मैं समझ गया था कि आपने अम्मी के कहने पे मुझे निकाला है, लेकिन आप ये बात मुझे अब क्यों बता रहे? पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्या मजबूरी थी आपके जो आपने मुझे नहीं बताया?